कैसे आप लोग, मैं दुर्गेश जायसवाल, मेरे YouTube चैनल इलेनी विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। UPTD की तैयारी आप लोग काफ़ी मेहनत से कर रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस समय आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतर देना प्रारंभ कर दिए होंगे। तो उसी लाइन में हम आते हैं कि उन सभी साथियों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जो हम पे भरोसा करके हमारी नोट्स और हमारी ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन किए हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा संदेश हम लेकर आए हैं कि जो इन्हें ऑनलाइन नोट्स हमारा अपने घर तक मंगाया है उनको कुछ असुविधाएं हो रही हैं। उन असुविधाओं को सबसे पहले मैं क्रम वाइज क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले अगर CDP की बात करें, जिसे आप बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, इसके 30 प्रश्न आएंगे। तो 30 प्रश्न के लिए ये हमारे नोट आपके लिए पूरी तरह से इनफ है, मतलब इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप इस नोट्स को पूरा तैयार कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप मार्केट से एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आप एक बार पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिएगा ताकि आपको ये बातें स्पष्ट हो जाए कि जो आप पढ़ रहे हैं वास्तव में कितना किफ़ायती है या नहीं। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा जिस पे लोगों को व्यूज आ रहे हैं, राय आ रहे हैं कि देखिए दिक्कत कहाँ से हो रही है मैथमेटिक्स में, अब आते हैं मैथ की बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स में एक समस्या सबके सामने जनरली समस्या एक उत्पन्न हो रही है, वो समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि जो मैथ का सेक्शन है, जो प्रश्न है, क्योंकि नोट्स में उनको ये 30 नंबर का है, लेकिन जब वो नोट्स मंगा रहे हैं तो उनके पास जो नोट्स जा रहे हैं उसमें केवल प्रश्नों के भंडार है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी क्या है, पूरा क्वेश्चन बैंक है। और जब क्वेश्चन बैंक है और उनको गणित नहीं आती तो कहते हैं सर ये सॉल्व कैसे होगा। अच्छा, कुछ तो दिक्कत यह है कि जहाँ प्रश्न है उसका सोल्यूशन भी नहीं है, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जा रही है। तो फिर हम उनको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारी ऑनलाइन नोट्स मंगाई है तो सबसे पहला काम थोड़ा सा धैर्य रखें, इस मैथ का सोल्यूशन पूरा सॉल्व करके हम आपको अपने चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। एक तरफ से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, चैप्टर बाय चैप्टर हम उसको आपको उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट आपके साथ देते रहेंगे। एक बात और आपको मैं बताना भूल ही गया था कि हम आपको परीक्षा के समय गेस्ट पेपर भी देंगे। जिन्होंने हमारे ऑनलाइन नोट्स या हमारी ऑनलाइन क्लासेज नहीं ली है, वो नोट्स उन्हें गेस्ट पेपर कैसे प्राप्त होंगे उस समय मैं ये नहीं जानता, लेकिन हाँ, जिन्होंने हमारी ऑनलाइन क्लास नोट्स या क्लास दोनों लिया है उनको हम वो गेस्ट पेपर जरूर उपलब्ध कराएंगे। गेस्ट पेपर टाइप होने में अभी हमें समय है, 5 सितंबर के बाद से ही गेस्ट पेपर टाइप हो पाएगा, उसके पहले उसकी कोई उम्मीद नहीं है। अब हम आते हैं आगे, कदम पे बढ़ते हैं। अब आगे अगला प्रश्न उठता है कि सर मैथमेटिक्स में कैसे स्कोर किया जाए। तो हम आपको इस जो मैथ की नोट्स जा रही है इसे के जितने भी अध्याय हैं उन सभी अध्यायों का सोल्यूशन हम पूरे आपके यूट्यूब पे उपलब्ध कराएंगे, ठीक। और वह सोल्यूशन सभी देख सकते हैं, चाहे जिन्होंने नोट्स लिया है, जिन्होंने नोट्स नहीं भी लिया है, जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है। मतलब ये है कि यह क्लास सभी लोग आसानी से देख सकते हैं। अब अगर यहाँ कोई समस्या आपको आ रही है तो फिर मुझे उससे अवगत कराइएगा। दूसरी बात है, मैथ के बाद अगर आए तो EVS की बात करते हैं। आप ये जानते हैं EVS के 30 प्रश्न आते हैं और EVS के मामले में इलेनी विद दुर्गेश चैनल और मैथमेटिक्स CDP इन सभी के लिए पूरे प्रदेश में, मुझे ये कहना घमंड की बात होगी, जब आप कहते हैं तो वास्तव में मुझे वो खुशी मिलती है कि सबसे बेहतर और सबसे सॉलिड नोट्स हमारा है। लेकिन एक छोटी सी कमी रह गई थी, रह ये गई है कि जब EVS की नोट्स हम आपको उपलब्ध कराए तो टाइपिंग में थोड़ी बहुत गलती हो गई है। उसके लिए जिन्होंने नोट्स परचेज किया है, जिन तक नोट्स पहुँचा है, उनको हम EVS की नोट्स की पूरी वीडियो बनाकर उनको उपलब्ध करा देंगे ताकि वो जहाँ गलतियाँ वहाँ करेक्शन करते चलेंगे, क्योंकि समय कम था, मैटर को सॉर्ट करना था, इस वजह से वो चीज़ें छूट गई। एक बात, इस EVS की नोट्स में 5 नंबर का सिलेबस जल्दबाजी में छूट चुका है, वो हम आपको ऑनलाइन आपको वीडियो के रूप में उपलब्ध करा देंगे। बहुत खास चीज़ें नहीं हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, वो मैं आपको ऑनलाइन रटा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो कहने का मतलब एकदम घबराना नहीं है। इस EVS के सेक्शन में 4 सेक्शन आपको गए हैं, इन्वायरमेंटल, इंडियन जियो का पार्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा और साइंस का हिस्सा, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बचा है वो नृत्य, मेला, यातायात, ये संस्कृति, कल्चर, जो ये चीज़ें बची हुई हैं, ये चीज़ें हम आपको ऑनलाइन करा के उसकी वीडियो उपलब्ध करा देंगे। फिर और आगे बढ़ते हैं अगला सेक्शन आता है हिंदी का, इसे आप लैंग्वेज फर्स्ट कहते हैं। यहाँ से 30 प्रश्न, यहाँ से भी आपको इसकी भी नोट्स आपको मिल गई होगी। इस नोट के साथ, इस नोट्स में अलंकार छोड़ गया तो आपको अलंकार और साहित्य की नोट्स आपको अलग से प्राप्त होगी। इसके बाद इसकी भी लास्ट टाइम आपको हम इसकी भी गेस्ट पेपर उपलब्ध कराएंगे, माने हम हिंदी की भी
हिंदी की भी क्या करेंगे, हम गेस्ट पेपर उपलब्ध कराएंगे, ठीक, वो भी आपको मिल जाएगी। बाकी हिंदी में तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी समस्या का दिक्कत होगी, कोई समस्या आपके सामने आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी के बाद लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज दो लैंग्वेज है हमारे यहाँ उपलब्ध है, एक है संस्कृत, संस्कृत 30 प्रश्न है। संस्कृत के नोट्स आपको पूरी तरह से इनफ है जितना हमने दिया है, लेकिन साथ ही साथ इस नोट्स के बाद फिर जो अगला हम आपको देंगे यहाँ पे भी, अगर आपने हमारे नोट्स लिया है तो हम आपको यहाँ पे दो चीज़ें भी उपलब्ध कराएंगे। एक 5 नंबर के ऐसा सेक्शन होता है जो पूरा ट्रिकी होता है, वो हम आपको उस नोट्स जिन्होंने लिया है, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास लिया है, उन्हें हम जल्दी उपलब्ध करा देंगे, एक बात। दूसरी बात है संस्कृत की नोट्स एक बार आप पूरा तैयार कर लें, शॉर्ट में सबसे बेहतर नोट्स है। फिर भी एक दिन हम और वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम ये बताएंगे संस्कृत में सबसे ज़्यादा आपको क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। दूसरी बातें हम आते हैं इस संस्कृत के बाद, जो अगला नंबर आता है वो इंग्लिश का है। देखिए इंग्लिश का नोट्स किसी कारणवश जिन्होंने परचेज किया था उन तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन बाकी नोट्स उन तक हमने पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। यह नोट्स आगामी कल या परसों से यह भी नोट्स उनके तक डिस्पैच होना प्रारंभ हो जाएगा। मतलब अगर आप तक नोट्स में इंग्लिश नहीं पहुंचा था, घबराने की बात नहीं है, हमारा दायित्व हम आपको पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ जो चीज़ें बची हुई हैं इंग्लिश साथ हम आपको पहुँचवा देंगे, क्योंकि हमें नहीं चाहते आपकी पढ़ाई रुके, और मुझे आपको अपना बेहतर देना है, इसलिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रश्न उठता है कि सारी चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे पर भरोसा किए हैं, आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो मेरा ये पूरा दायित्व होता है हम आपको अंतिम रूप से चरण तक आपको लेकर साथ चले, और जो भी समस्या आ रही है, जो भी समस्याओं से आप हमें अवगत करा रहे हैं, लगातार हम उन समस्याओं को सुलझाने का भरपक प्रयास कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे से आपको किसी प्रकार की किसी भी समस्या का जन्म नहीं होने पाएगा। और NCERT SCERT बेस पे आपको नोट्स पहुंच रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अब धीरे धीरे करके भी मिलना प्रारंभ होगी, क्योंकि आपके घर तक अगर आपका नोट्स पहुँच गया तब तक हमारा आपका संबंध नहीं खत्म हुआ, क्योंकि हम ये चाहते हैं यह संबंध आपकी नियुक्ति तक सतत रूप से चलता रहे, और उसके लिए हम सदैव प्रयासरत रहें। एक बात, अगर आपने अभी मेरी नोट्स नहीं लिए, मेरी क्लासेज नहीं ज्वाइन की है, और आप इस तरह से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं एक बार जरूर कहूँगा कि आप मेरी टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जरूर जुड़ जाएगा, क्योंकि कभी कभी जब हम आगे भी मैराथन क्लास लेंगे, संडे स्पेशल क्लास लेते हैं, उस समय आपके पास लिंक नहीं पहुँच पाता, तो आप पूरी तरह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाते। उस दशा में आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप बेहतर तो जरूर करें। किसी कोचिंग संस्थान में आपने दाखिला लिया हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन लर्निंग विद दुर्गेश के साथ अपना साथ यूं ही बरकरार रखिएगा, क्योंकि अभी तो नहीं, अगर आपने आज नोट्स नहीं लिया, कल को आप इस बात को जरूर कहेंगे कि वास्तव में लर्निंग विद दुर्गेश सबसे बेहतर था। शुरुआत हजारों में लंबी यात्रा छोड़े कदम से होती है, कठिनाइयों से होती है, समस्याओं से होती है, लेकिन मैं लगातार समस्याओं से झेलते हुए आगे बढ़ने का भरपक प्रयास कर रहा हूँ और आगे बढ़ता भी रहूँगा। अब दूसरा प्रश्न ये है कि सर आपकी ऑनलाइन क्लासेज और नोट्स हमने ले लिया और हम तक पहुँचना भी प्रारंभ हो गए, अब हमें ये बताइए आप कि सर कि और मैटर हमें कैसे उपलब्ध होगा। एग्जैक्ट आपने एकदम सही प्रश्न का जवाब पूछा है। अब आते हैं आपसे बात करते हैं कि आपको अब क्या करना है। पहला काम, अब सबसे पहली चीज, आप टेलीग्राम ऐप आप इंस्टॉल करिएगा, और आप 6306344367 पे आप अपनी स्क्रीनशॉट की मैसेज छोड़ दीजिएगा, और साथ ही साथ आपको जो ये लिफाफा मिला था नोट्स के साथ, जो लिफाफा मिला था उसकी फोटो आप क्लिक करके हमें भेज दीजिएगा अपनी स्क्रीनशॉट, और दूसरी आपके पास जो लिफाफा गया था उस लिफाफा की फोटो क्लिक करके देने के बाद हम अपने टेलीग्राम के चैनल पर आपको ऐड कर देंगे। दूसरी बात, एक चीज़ याद रखिए, ये पूरी तरह से कंपटीशन का दौर है, इस समय ज्ञान बांटिएगा, अपने मैटर नहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि यह एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जहाँ हमारे साथ लाखों प्रतिभागी भाग रहे, लेकिन अंतिम रूप से चयनित वही होगा जो उनमें से सबसे बेहतर होगा। इसलिए आप अपने सरस्वती को बांटिएगा, अपनी लक्ष्मी को न बांटिएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं और हमसे ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि वास्तव में नोट्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। इसी CDP के लिए हमें दीपक जी जो ललितपुर के, उनकी सबसे ज़्यादा मदद लेनी पड़ी, ज्योति मैम, कीर्ति मैम, इन सभी की मदद लेने के बाद तब जाके, मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक से नोट्स बन के तैयार हो जाता है, उसके बाद इतनी कड़ी मेहनत के बाद तब हम पहुँचे। इसके साथ गेस्ट पेपर भी बनना शुरू हो गया है, इसकी गेस्ट पेपर, इसकी मतलब हम आपको एक
पूरी तरह से ओवरऑल पूरा गेस्ट पेपर उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आप अपना बेहतर दे सकें, और हम उम्मीद करते हैं कि वास्तव में आप अपना बेहतर जरूर देंगे, और अगर इसी क्रम से आप अगर चलते रहे तो भविष्य में आपको कोई माइकल लाल नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। बस इसी तरह अपने जुनून अपने जज्बे को बरकरार रखें, और हम ये जानते हैं कि आप अपना बेहतर जरूर देंगे, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है किसी ने नोट्स लिया उन तक नहीं पहुंचा हो। अच्छा, अगर आपको ऑनलाइन नोट्स लेनी है उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन नोट्स, ऑनलाइन क्लासेस, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। UPTT CET की नोट्स उपलब्ध है, उनकी ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध हैं। ठीक, SuperTT की थोड़ी समस्या है, वो समस्या है कि दो दिन के अंदर समझ पूरी तरह सुलझ जाएगी, क्योंकि एक एक साथ तीन तीन पैरेलल बैचेज चलाना थोड़ी सी पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही। लेकिन हाँ, हम लोग ये लगातार लड़ रहे हैं और आपको अपना बेहतर देने के लिए पूरी तरह से तत्पर और तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो हम आपके लिए वो कर दिखाएंगे जो आपने सोचा नहीं था। अच्छा, एक बात और, सबसे ज़्यादा लोगों को उनके भी प्रश्न आ रहे हैं कि सर ये बताइए हम आपकी नोट्स ही क्यों लें। आप 1,000 रुपये की मार्केट से किताबें खरीदते हैं, कोई भी किताब लेते हैं 200 रुपये की किताबें मिलती हैं, तो अब 5 सेक्शन की किताब लेंगे 25,000 रुपये की, दो किताबें अगर किसी ने बता दिया तो 2,000 से 3,000 की किताबें ले लेते हैं, और हम 2,200 रुपये में नोट्स आपके घर तक पहुँचा रहे हैं। लोग सर पेज गिनते हैं, भैया पेज से ज़्यादा कंटेंट की कीमत होती है, जितना कम कंटेंट होता है उतना सॉलिड नोट होता है, ग्रंथ नहीं छपवाना हमें, एक ग्रंथ छपवा के तो उससे अच्छी किताबें तो खरीद सकते थे। आप इसलिए नोट्स लेते हैं ताकि 20 किताबें पढ़ने से बढ़िया आपको एक कलेक्शन पढ़ना पड़े, क्योंकि सिलेक्शन का पैमाना आपको बेहतर करने से अपना बेस्ट देने से होगा, और हम ये जानते हैं कि जब आप ठान लेंगे यहाँ से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए हम आपके ये वीडियो लेकर आए थे ताकि ये हम बता सके कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना और क्यों पढ़ना है। तो बस अभी भी आपके पास समय है, और हाँ, आपके पास अगर नोट्स पहुंच गई हो तो आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, हमें टेलीग्राम नोट्स की जो लिफाफा है वो और अपनी स्क्रीनशॉट पेमेंट की जो अपनी स्क्रीनशॉट थी वो दोनों भेज दीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग नोट्स पूछ रहे हैं तो हम बता दें, UP टेट की नोट्स 2,200 रुपये की है, 2,000 प्लस 200 रुपया कोरियर, CET की वो नोट्स है 1,700-1,500 प्लस 200 रुपया कोरियर का, 1,700 रुपये की CET की नोट्स है जो आपको आपके घर तक जाएगी। एक बात, CET की कोई भी बुक मार्केट में उपलब्ध नहीं है जो प्रॉपर CET पे बनी हो, जैसा कि आपको भी पता है, क्योंकि इसके लिए आपको पूरी तरह से NCERT पे ही फोकस करना होगा, जैसा कि CET का इतिहास रहा है। और आप मेरे नोट्स अगर CET में लिए होंगे तो आप जानते होंगे कि वास्तव में मेरे नोट्स कितने के फायदे थे, क्योंकि मैं पूरा NCERT से ही बनाता हूँ, और इसीलिए मेरे नोट्स से हूबहू प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप मेरी नोट्स की डेमो देखना चाहते हैं आप टेलीग्राम पर जाइएगा, लाखों तो नहीं कह सकते, इस सैकड़ों नोट्स की कॉपियां मेरी पड़ी होंगी। और एक बात, CET की एग्जाम के 4 दिन पहले मैंने इन्वायरमेंट का EVS का 8 पेज का नोट्स जारी किया था, उसमें वायरल भी हो गया था, इसमें 13 क्वेश्चन हुबहू आए थे, वो मेरा गेस्ट पेपर था, उठा के देख लीजिएगा। 4 दिन पहले मैंने डाला था टेलीग्राम पे, डेडवाइज पढ़ा होगा और मेरे एप्लीकेशन पे भी पढ़ा होगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा वास्तव में जो दुर्गेश्वर कहते हैं वो कर दिखाते हैं। तो साथ ही साथ आप अपना बेहतर देना शुरू करिए, और हम भी आपके साथ हैं, और तब तक साथ हैं जब तक आप अंतिम रूप से चयनित नहीं हो जाते। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं फ्री मिल जाए, फ्री के ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होती। आप भी अध्यापक बनेंगे, आप भी तो लेंगे, वरना आपको क्या जरूरत थी पढ़ने की, तो हमारे पास भी पूरा टीम, उनको हम कहाँ से वाहन करेंगे, क्योंकि आप सहयोग करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और आगे लोगों की मदद कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप किताबें लेंगे, नोट्स लेंगे, क्या बाजार से किताबें लाएंगे, क्या वहाँ फ्री में मिलती है, नहीं मिलती, वहाँ पे करते हैं, लेकिन आपको यहाँ आना होता तो आपको लगता है बहुत भारी पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझौता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है नहीं वास्तव में दुर्गेश सर बेहतर हैं, दुर्गेश सर के नोट्स, दुर्गेश सर की क्लास लेनी चाहिए, तो आपका मोस्ट वेलकम है, और नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, मैंने बताया आप नोट्स लिए हैं तो मुझसे जुड़े रहिएगा, ठीक, और हम लास्ट तक एग्जाम के अंतिम दिन तक हम आपको मैटर उपलब्ध कराते रहेंगे ताकि आपका चयन रुकने ना पाए, आपका चयन किसी भी कारणवश रुकने ना पाए। तो फिर शुरू करिए, क्योंकि सफलता किसी बात की जागीर नहीं होती, वो आपके मेहनत पे होती है, और आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, ये बात मुझे पता है। तो फिर शुरू करिए अपना बेहतर देना, नोट्स पूरी तरह से पढ़ना शुरू करिए। बाकी नोट्स के लिए हम आपको वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पे हम आपको पूरी तरह से डिफाइन करके बताएंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो बस इंतजार करिए, 1 से 2 दिन के बाद वो सारे काम शुरू हो जाएंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।